उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण इलाकों में आयुष डॉक्टरों की तैनाती बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गांवों में आयुष डॉक्टरों की विशेषज्ञता को कुशलता से उपयोग में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में विश्व ग्रामीण स्वास्थ्य सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि समस्या के हल के लिए नए डॉक्टरों की पहले प्रमोशन से ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में हो रहे 15वें विश्व ग्रामीण स्वास्थ्य सम्मेलन में बड़े पैमाने पर पारिवारिक डॉक्टरों की अवधारणा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक पारिवारिक डॉक्टर पूरे परिवार को प्राथमिक और निरंतर देखभाल प्रदान करता है, साथ ही शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में भी परिवार के सदस्यों को जागरूक करता है। The rural areas are lagging behind urban areas in terms of medical services. I think the time has come for us in India to treat this unhealthy gap in providing preventive and curative medical facilities in the rural areas on war footing. Low doctor-patient ratio, poor access to health services and low utilization of health services are some of the major problems. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य श्रमिकों की कमी का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने ILO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया की ग्रामीण आबादी के करीब 63% हिस्से की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं है। In terms of providing effective healthcare service exists in many countries, it is particularly more pronounced in the low income countries and developing countries. This is due to shortage of infrastructure, manpower. According to 2015, the report of the ILO, 56% of the rural residents worldwide are without legal health coverage as against 22% of the urban population. Extreme rural-urban inequities exist in Asia and the Pacific regions, while 83% of the Africa's rural people have no entitlement to health care. It's a very, very disturbing situation. 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस दौरान अलग अलग सत्रों में दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।